हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, कल कुछ ज्यादा ही कमेंट आए थे कि सर मेरी 12th की है, उसके बाद मैं क्या करूं और किस हिसाब से करूं। तो आपको बता दूं कि यहां पे 12th क्लास है, तो जो स्टूडेंट 12th के हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो है। तो आप प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरी स्टार्ट से लेके अंत तक जरूर देखना। इसके अंदर जो जो डिटेल बताऊंगा वो पूरी डिटेल से समझ लेना। तो यहाँ पे बात है कि जो 12th है उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं। तो बायो रहती है, मैथ रहती है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और आर्ट्स, यानी कितने सब्जेक्ट रहते हैं हमारे। तो इसके अंदर बात आती है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि वो बंदा बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोचता है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूंगा तो क्या करूँ। तो उसके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे बात आती है कि अगर कुछ भी आपको मन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए क्या करोगे। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे मेन में आता है जो राजस्थान से बिलोंग करता है, तो उसके लिए बता देता हूँ, जेट का एग्जाम होता है, बीएचयू का होता है और आईसीआर का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एग्जाम होता है वो बीएचयू का होता है, उसके बाद में सेकंड पे होता है जेट का और थर्ड पे होता है आईसीआर का। तो यानी कहने का मतलब है कि मैंने इस तरह से बताया है, लेकिन नॉर्मली अगर पूछा जाए तो नॉर्मली सबसे टॉप में तो आईसीआर ही आएगा, जेट भी आएगा और बीएचयू, तीनों आएंगे। लेकिन एग्जाम जो सबसे पहले होता है, यानी कि किसका एग्जाम सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले बीएचयू का एग्जाम है वो सबसे पहले होगा। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि इसका फोरम कब आता है और क्या है इसके बारे में, एग्रीकल्चर के अंदर क्या स्कोप है, वो पूरा पूरा आपको मैं डिटेल से पूरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कम से कम 20 कमेंट कर देना कि एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर क्या स्कोप है, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो कम से कम हमारा टारगेट है कि 20 कमेंट्स तो आए, तो इसके बारे में मैं बता दूंगा। अब बात आती है कि इसके फोरम कब भरे जाते हैं इनके, तो अब बात बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई भी इस फोरम से रिलेटेड न्यूज आएगी तब आपको तुरंत बता दूंगा। बीएचयू की बात आती है तो बीएचयू का एग्जाम का फोरम है ये लगभग मार्च या फरवरी के लमसम भरा जाता है, जब एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उससे पहले। और जेट का तो लगभग हो ही जाता है एग्जाम होने के बाद में, तैयारी में जुटे होते हैं। और आईसीआर का थोड़ा लेट भरा जाता है। तो इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और वीडियो अब बात करते हैं दोस्तों कि जेट क्या होता है, आईसीआर क्या होता है और बीएचयू क्या होता है। तो आपने पूछा भी था एक कमेंट में कि सर जेट बीएचयू और आईसीआर क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ कि जेट का पूरा नाम पूछा जाए तो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो राजस्थान के स्टूडेंट्स है उनके लिए। अभी फिलहाल ये जेट का एग्जाम है वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। और रही बात ये कि जो जेट का एग्जाम है ये, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो इसके लिए 12th पास होती है और जेट के द्वारा ही यानी कि एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में दिया जाता है। आगे बात आती है कि जेट में क्या होता है क्या नहीं होता। तो जेट में आपको मैंने बता दिया कि जेट के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर होता है और 5 यूनिवर्सिटी है हमारी, उन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है और जिनके नंबर हाई आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में हो जाता है, उसके बाद अगर नहीं होता तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आती है आईसीआर। तो आईसीआर है वो इंडिया की सबसे, यानी कि एग्रीकल्चर ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा आईसीआर संभाल रही है। उसमें यूजी एग्जाम होता है यूजी, और पीजी एग्जाम होता है वो, पीजी तो आपको पता है कि बीएससी के बाद में होता है, लेकिन यूजी एग्जाम होता है वो 12th वाला कर सकता है। उसमें कोई ये बात नहीं कि सब्जेक्ट पूछा, यहाँ पे बात आ जाए जेट के अंदर। पहले क्या था कि हर स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, बायो वाला भी मैथ वाला भी, लेकिन इस बार सुना है कि इस बार एग्जाम है वो सिर्फ ओनली एग्जाम एग्रीकल्चर वाला दे सकता है। और आईसीआर में क्या है, आईसीआर में ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे उसके पास बायो हो या केमिस्ट्री हो, बायो या एग्रीकल्चर, वो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है तो वो आईसीआर के थ्रू कर सकता है। तो आईसीआर हो गया, उसके बाद में बीएचयू आ गया। तो बीएचयू उन्हीं को ही यानी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन देती है जिनके पास में 12th में एग्रीकल्चर हो, तभी वो देती है। पहले बीएचयू का काम था बना, इसका पूरा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो वाराणसी के अंदर स्थित है यानी यूपी में।
और उसका उसकी एक ही यूनिवर्सिटी ये उसी के अंदर देती है, और आईसीएआर पूरे के अंदर देती है। तो बीएचयू का काम क्या होता है कि ये पहले तो देती थी कि सारे ऑल सब्जेक्ट वाले देते थे, लेकिन अब उसने कर दिया कि ओनली एग्रीकल्चर वाला ही स्टूडेंट इसको दे सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने इतना बता दिया है, अगर किसी को इसके बारे में और कंफ्यूजिंग है तो कमेंट कर देना।